सिर्फ 46 दिन बाकी रह गए हैं आप लोगों के लिए। अब आपको अब ये बताना पड़े कि 46 दिन किस चीज के रह गए हैं, तो फिर तो इससे बुरी कोई बात नहीं हो सकती है। बिल्कुल, हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के बारे में। आप सभी ने अब तक एसएससी जीडी का फॉर्म तो भर दिया होगा, और फॉर्म नहीं भरा है तो संभवतः 30 तारीख तक अभी फॉर्म भर सकते हैं, आप लोग भर दीजिए। ठीक है, एक बात मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि किसी भी कैंडिडेट के लिए एक बहुत अच्छी खबर ये होती है कि जब वो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है और सामने एग्जाम डेट होती है, तो एक फिक्स टारगेट उस बंदे के सामने होता है। बहुत सारे स्टेट में ऐसा होता है कि आपके फॉर्म भर जाते हैं, साल साल भर तक एग्जाम नहीं होते, यूपी उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। परंतु एसएससी में ये चीजें अब धीरे धीरे सुधरने लगी हैं। एसएससी जीडी के फॉर्म भी अभी तक भरने बंद नहीं हुए और आपके सामने आपकी एग्जाम डेट आ गई है। संभवतः आप में से बहुत सारे लोगों को एग्जाम डेट के बारे में सूचना मिल गई होगी, पर आज हम इस वीडियो में, छोटी सी वीडियो में, आप लोगों के एग्जाम डेट के बारे में तो बात करेंगे ही, साथ में जो 46 दिन आपके बचे हैं इनमें आपको कितनी बेहतर तरीके से तैयारी करनी है, कितने अच्छे तरीके से तैयारी करनी है, ये चीज भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आपको फौजी बनाने का लक्ष्य राम जी की पाठशाला ने रखा है, आपके लिए हिंदी और जीएस की फ्री क्लासेस यूट्यूब पर चलाई जा रही है, तो आप उनको देखना बिल्कुल ना भूले। आज कल में ही मैं प्लेलिस्ट भी आपके अकॉर्डिंग अपडेट कर दूंगा। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। अगर नहीं चल रही है तो आप अपनी तैयारी को अच्छे से चला लीजिए, ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है, आप अपनी तैयारी को अच्छे से चला लीजिए। तो आज जब हम लोग बात करने वाले हैं, सबसे पहले बात करते हैं आपके एग्जाम डेट के बारे में। ये एक आपका नोटिस है जो एसएससी की तरफ से निकाला गया है, ठीक है, इंपोर्टेंट नोटिस है। इसमें आप देख सकते हैं द कमीशन हैज डिसाइडेड टू कंडक्ट द फॉलोइंग एग्जामिनेशन एज पर द शेड्यूल गिवन बिलो। मतलब कि जो 3-4 एग्जाम है उनके बारे में बोल रहा है कि भाई हम एक शेड्यूल निकाल रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग चीजें यहां रहेंगी। ये कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल है, सीजीएल है, ये आपका ये है सीएचएसएल है आपका, ये हमारे काम का नहीं, स्टेनोग्राफर नहीं है, ये हमारे काम का एग्जाम ये रहा यहां पर, कॉन्स्टेबल जीडी है ना, ये वाला सन 2022, ठीक है। एग्जाम कैसा होने वाला है आपका? कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आप लोगों का होने वाला है, और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो होगा उसकी तिथि यहां पर लिखी हुई है 10/1/2023, यानी कि 10 जनवरी 2023 से 14 फरवरी 2023 तक ये आपका एग्जाम चलेगा। यानी कि 14 फरवरी को आप एग्जाम देके अच्छे से, और जो आपकी बाबू सोना है उसको वैलेंटाइन डे के दिन गिफ्ट दे सकते हो कि हाँ भाई मेरा सिलेक्शन होने वाला है, अब उन्हें पिताजी को जाके बोल दियो हमारी शादी करवा देंगे। तो ये तो एक व्यंग की बात है, ये एक मजाक की बात है, पर ये चीज है, ये 14 तारीख को आप चीज तभी कह पाएंगे जब आपकी तैयारी बहुत बेहतर ढंग से होगी। अगर आप मोटा मोटा देखें तो 1 महीने से भी ज्यादा लंबे समय में आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। अब 10 से और 10 फरवरी लगाओ आप तो 1 महीना और 4 दिन आपका ऊपर हो गया, तो लगभग आपका 35 दिन के आसपास आपका एग्जाम चलेगा। तो ऐसे में जब आपका 35 दिन एग्जाम चलेगा और अभी जो आपके पास समय शेष है वो है केवल और केवल 45 दिन, कितने 45 दिन, और 45 दिन में मेरे हिसाब से कोई बच्चा जो फ्रेशर भी है वो भी तैयारी कर सकता है, ठीक है। जो पहले से तैयार है उसको तो अपने आपको ब्रशअप करने की जरूरत है, पर जो फ्रेशर है वो भी तैयारी कर सकता है। अब ऐसे में जब सिर्फ 45 दिन है, आप लोगों को कैसे तैयारी करनी है इसका एक छोटा छोटा सा आपको उदाहरण मैं दे देता हूं। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखते रहिए। सबसे पहले देखो अभी क्या होगा, जैसे 45 दिन वाला ये माहौल आपके लिए चलेगा तो अब हाय तोबा मचनी शुरू हो जाएगी। सबसे पहले तो आपके दिमाग में आएगा यार 45 ही दिन बचे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो सबसे पहले तो अपने आपको रिलैक्स रखना है और किसी भी भेड़ चाल से आपको दूर रहना है। यदि अभी तक आपने कोई पेड कोर्स खरीदा है या नहीं खरीदा है, अगर खरीद लिया है तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं खरीदा है तो उससे पहले आपको एक काम करना है। सबसे पहले, जो सबसे पहले लोग गलती करते हैं वो उस चीज को छोड़ देते हैं, आप सबसे पहले अपना सिलेबस चेक कीजिए। केवल और केवल ये बात मत समझिए कि भाई हमारे पेपर में गणित है, हमारे पेपर में रीजनिंग है, ठीक है, हमारे पेपर में हिंदी या इंग्लिश है, ठीक है, और हमारे पेपर में आपका जीएस है, इतना देखते ही और बस सीधा पेड कोर्स खरीदा या किताबें उठाई और पढ़ना शुरू, यहीं से शुरुआत हो जाती है आपकी फेल्योर की, यहीं से शुरुआत हो जाती है आपकी असफलता की। सबसे पहले आप लोगों को इतना पता है कि आपका ये पूरा आना है, ठीक है। इसमें देखो गणित का मतलब क्या है, गणित का मतलब, गणित में सब कुछ आता है आपका, रेखा गणित भी आता है, सब कुछ आता है, फिर तो गणित का
वो सेक्शन आपको पढ़ना है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ये चीज कहां से पता लगेगी? आपके सिलेबस से पता लगेगी। आप सिलेबस की कॉपी निकाल करके जहां भी आप पढ़ते हैं उसके सामने चस्पा दीजिए, चिपका दीजिए, ठीक है? चस्पा बोल रहा हूं पुलिस की भाषा में, ठीक है? आप उसको वहां पर चिपका दीजिए। चिपकाने के बाद आप सिलेबस को देखते रहिए, आपको पता लगेगा कि गणित में ये टॉपिक है, तो आप उन उन टॉपिक को क्या कीजिए, अपना तैयार करना शुरू कीजिए। रीजनिंग में ये टॉपिक है तो एक एक करके वो टॉपिक को आप तैयार करना शुरू कीजिए। हिंदी में ये टॉपिक है, अब देखो एसएससी जीडी की हिंदी है, बोल दिया हिंदी है, अब तो हिंदी में क्या है? हिंदी में तो आपको पूरा व्याकरण पढ़ना पड़ेगा, पूरा साहित्य, पर ऐसा कुछ नहीं है। गिने चुने 6-7-8 टॉपिक है, विलोम है, पर्यायवाची है, आपका एका वर्तनी है, आपका वाक्यांश के लिए एक शब्द है, ठीक है, आपका रिक्त स्थान है, गद्यांश है, ये कुछ टॉपिक है। अगर आप ढंग से सिलेबस को एनालाइज करते हुए इनकी प्रैक्टिस दबा करके करें तो आपका काम हो जाएगा। अब मैं एक चीज आपको बता देता हूं, सिलेबस करने के बाद आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि उनको देखने के बाद आपको यह पता लग जाएगा कि भाई हिंदी में ये टॉपिक है, सिलेबस से तो वो पता लग जाएगा, पर पेपर में लेवल क्या पूछता है, ठीक है? हम अभी हाल फिलहाल में हुए एग्जाम जो एसएससी कंडक्ट करवा रही है, इसमें हिंदी और जीएस है, उसको भी देखेंगे। आप लोगों के लिए मैंने हिंदी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चला रखी है, कल भी परसों वीडियो आई थी, कल भी वीडियो आई थी, आज भी वीडियो आएगी, थोड़ा देर से आएगी, पर इनका रूटीन में बहुत जल्दी बांध दूंगा। जीएस की भी उसी तरह आएगी। और प्रीवियस ईयर को खत्म करने के बाद देखो प्रीवियस ईयर से क्या करोगे, प्रीवियस ईयर से लेवल भी पता लगेगा और नॉलेज भी पता आपकी मतलब बढ़ेगी, आपकी चीजें वहां से क्लियर होंगी, आपका प्रीवियस ईयर कंटेंट तैयार हो जाएगा। और एसएससी की हैबिट है कि एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछती है, तो आपको उस चीज के लिए हमेशा तैयार रहना है, ये बात आपको अपने दिमाग में रखनी है। हिंदी और जीएस का, हिंदी का अभी चल रहा है और जीएस का मैं आपके लिए कल से चालू कर दूंगा, और भी बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब बिल्कुल मतलब करना मत भूलना, ठीक है? सब्सक्राइब जरूर कर लेना और ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को शेयर करना, क्योंकि रामजी की पाठशाला का उद्देश्य है हर एक जरूरतमंद तक शिक्षा को पहुंचाना है। तो दूसरी बात, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए, उसके बाद आप बुक लिस्ट को क्या कीजिए, बुक लिस्ट को अपनी फाइनल कर लीजिए कि आपको बुक लिस्ट का क्या करना है, कैसे करना है, कौन कौन सी बुक लेनी है। इसके ऊपर मैं वीडियो कल बना दूंगा, बुक लिस्ट के ऊपर मैं वीडियो कल बना दूंगा, ये चीज आप बता दूंगा कि कौन कौन सी कम से कम बुक में आप ज्यादा से ज्यादा चीजें तैयार कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी तैयारी को शुरू करते रहिए अपने हिसाब से। अब आपकी चॉइस है, आप फ्री पढ़ना चाहते हैं, यूट्यूब पे फ्री कंटेंट पड़े हुए हैं, आप जाके देखिए, ठीक है? घंटों घंटों की वीडियोस मत देखिए, ज्यादातर समय अपनी बुक्स के साथ में बिताइए। अब आप कहेंगे कि सर आपकी वीडियो भी देखे, आपकी मर्जी है, आपको देखना है आप देख लीजिए, नहीं तो किताबों से आपको अधिक लाभ होगा। और मैं जो वीडियोस बनाता हूं वो 15-20 मिनट 22 मिनट की वीडियो बनाता हूं, और उसमें मैक्सिमम कंटेंट डालने का मैं पूरा पूरा प्रयास करता हूं। ये चीज सबको पता है, नहीं पता है आपको तो आपको जल्दी ही पता लग जाएगी। इतना करने के बाद अगर आप फ्री पढ़ना चाहते हैं तो फ्री पढ़ सकते हैं, या आपको किसी भी अन्य मतलब टीचर्स पे विश्वास है तो आप उनका पेड कोर्स भी खरीद सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। ये काम कर लिया, ये काम करते करते जब आप टॉपिक वाइज, हालांकि मैं हर चीज बताऊंगा कि मैथ को कैसे तैयार करना है, रीजनिंग को कैसे तैयार करना है और हिंदी को कैसे तैयार करना है, एक एक चीज आपको समझाऊंगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे करने हैं, आपके प्रैक्टिस सेट आपको कैसे करने हैं, ये चीज आपको बहुत अच्छे से मतलब कर लेनी है। ये बात समझ में आई? साथ में आपको हर संडे क्या करना है, हर संडे एक आपको टेस्ट लगाना है, जिससे आपको क्या चीज पता लगती रहेगी, जिससे आपको पता लगता रहेगा कि भाई मेरी तैयारी किस स्तर पर जा रही है। और संडे में टेस्ट देके अच्छे नंबर आ जाए तो खुश नहीं होना, और बुरे नंबर आ जाए तो दुखी नहीं होना है, उसको एनालाइज करना है कि मेरी कमियां कहां हैं। मैथ में यहां नंबर कट गए, इस टॉपिक को मुझे अच्छा करना है। रीजनिंग में यहां मेरे नंबर कट गए, इस टॉपिक को अच्छा करना है। हिंदी में यहां मेरे नंबर कट गए, इस टॉपिक को अच्छा करना है। जीएस में मेरे ये चीजें कमजोर हैं तो मुझे ये टॉपिक अच्छा करना है। तो इस तरह से चीजों को आपको लेके चलना है। मैं आपका साथ हर एक चीज में दूंगा, वादा करता हूं, बस आप भी उसी तरह से रामजी की पाठशाला का समर्थन करते रहिए। तो इस तरह आप अपनी तैयारी को बढ़ाइए, आगे बढ़ते रहिए। बहुत सारी चीजें आगामी आने वाले दिनों में एसएससी जीडी के रिगार्डिंग, चाहे रणनीति हो, चाहे बुकलिस्ट हो, चाहे मोटिवेशन हो, कंटेंट हो, वो सब रामजी की पाठशाला पर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे रामजी की पाठशाला, मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।